आज हम चर्चा कर रहे हैं माता पिता के सुख की, कि संतान को माता पिता का सुख कब मिलता है, कब स्थिति कमजोर हो जाती है, कौन से ग्रहों की वजह से, और उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? जी देखिए, माता पिता के सुख की बात ये भी हो सकती है कि भाई माता पिता बीमार रहते हो, उनके साथ बात ही ना हो पाती हो, समय ही ना दे पाते हो, तो माता पिता के सुख में उनका स्वास्थ्य अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम माता के स्वास्थ्य की बात करें कि कौन सा उपाय नियमित रूप से करें जिससे माता का स्वास्थ्य बेहतर रहे, रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, सादा जल। रोज सवेरे जल अर्पित करने के बाद अपनी माता जी के लिए एक माला यानी 108 बार या 3 माला 5 माला ओम नमः शिवाय का जप करें। सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें, चावल, चीनी, दूध, इसका दान करें और माता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अब पिता की बात कर लेते हैं कि पिता के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखा जाए। रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और इसके बाद 1 माला 3 माला 5 माला ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। हर रविवार को गुड़ का, गेहूं का या आटे का दान करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके पिता तो स्वस्थ रहेंगे ही, आपका तालमेल भी, आपकी स्थिति भी पिता के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी हो जाएगी। पिता स्वस्थ रहेंगे और पिता का सुख आपको प्राप्त होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।